हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। फिर से आप सभी साथियों का बहुत ही स्वागत है। और प्यारे साथियों, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और वीडियो लेकर। इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक्स जो सीरीज चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप डिस्कशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट फेज सेकेंड, एयरफोर्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्स और वाई ग्रुप के लिए टॉपिक 15 होने वाला है और ये टॉपिक है इंडियन स्पोर्ट्स और लेस नंबर ऑफ मेडल्स। ठीक है ना प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब सर, इंडिया में जो स्पोर्ट्स की क्या कंडीशन है, हमारे यहाँ एथलेटिक्स से लेके स्पोर्ट्स तक की, स्पोर्ट्स मैन की, टैलेंटेड एथलीट्स को मौका दिया जाता है कि नहीं, मतलब क्या रीजन है सर। दूसरा आप टॉपिक कह सकते हैं कि सर 136 करोड़ वर्सेस लेस नंबर ऑफ मेडल्स, मतलब सर सिंगल गोल्ड मेडल वर्सेस ओलंपिक में हमें एक सिंगल गोल्ड मेडल मिला और हमारी पॉपुलेशन है 136 करोड़, जबकि अमेरिका और चाइना की पॉपुलेशन प्यारे साथियों बहुत कम है, लेकिन उनके जो मेडल्स की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये 2 से 3 बार रिपीट हुआ है 2019 सिंटेक्स से। तो मैं टॉपिक आपको बहुत ही सिंपलेस्ट लाइनें लिखाने वाला हूँ, आपको बेहतरीन तरीके से देखना होगा। टॉपिक 15 इंडियन स्पोर्ट्स लेस नंबर ऑफ मेडल्स, अबाउट द टॉपिक क्या होने वाला है डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करिए, आपको इंट्रोडक्शन के बाद में अबाउट द टॉपिक बोलना होता है। आपको इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक 1 मिनट में फिनिश करना होता है। और यदि आप ये टॉपिक कर रहे हैं जो मैं 50 टॉपिक्स करा रहा हूँ, 50 टॉपिक, तो प्यारे साथियों ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि यदि टॉपिक से 1%, वैसे तो इनसे बाहर आएगा नहीं, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, बट यदि 1% आया भी तो आप कोरिलेट कर पाओगे चीज़ों को। यदि आपके पास कंटेंट्स होगा, और यदि कंटेंट ही नहीं है तो मैं कहाँ से बोल पाऊँगा। और इसलिए अबाउट द टॉपिक क्या होने वाला है इस टॉपिक के लिए डियर ऑल फ्रेंड्स, वी आर हेयर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक द कंडीशन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया और लेस नंबर ऑफ मेडल्स इन ओलंपिक गेम्स, या आप ये बोल सकते हैं 136 करोड़ वर्सेस सिंगल गोल्ड मेडल। मतलब मैंने ये नहीं कहा आप तीनों बोलिए, बट इनमें से ये बोल सकते हैं यहां तक, और या ये बोल सकते हैं 136 करोड़ वर्सेस सिंगल गोल्ड मेडल। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं डियर ऑल फ्रेंड्स, सो वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक द कंडीशन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया और लेस नंबर ऑफ मेडल्स इन ओलंपिक गेम्स। और सर 136 करोड़ पॉपुलेशन वर्सेस सर सिंगल गोल्ड मेडल, समझ में आया कि नहीं आया। अब आप स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ से हम बहुत ही बेहतरीन और बहुत सिंपल लाइनें शुरुआत कर रहे हैं। मैं पॉइंट वाइज पढ़ाने वाला हूँ कि सर क्या रीजन है कि इंडिया इतना पॉपुलेटेड कंट्री, मतलब इतनी बड़ी संख्या में यूथ की पॉपुलेशन है, लेकिन सर फिर भी हमारे यहाँ ओलंपिक गेम्स हों या कोई भी गेम्स हों उनमें लेस नंबर ऑफ मेडल्स के क्या रीजन हैं। टॉपिक तो बहुत बड़ा है, इस पर 10 पेजेस भी पढ़ाए जा सकते हैं, 100 पेजेस भी पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन प्यारे साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें बहुत ही सेलेक्टिव पढ़ना है, जितना हमें ग्रुप डिस्कशन के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले कॉपी पेन नोट डाउन निकालिए और नोट डाउन करना शुरू करिए। बिना कॉपी पेन के आप बस ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी होने वाला नहीं है, ना कोई फ़ायदा है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 136 करोड़, स्क्रीन पर देखिए, एंड सर इज हार्डली एबल टू सिक्योर अ सिंगल गोल्ड मेडल। इट इज नॉट बिकॉज सर अवर कंट्री डज नॉट हैव। सर डियर ऑल फ्रेंड्स, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की पॉपुलेशन 136 करोड़ है, लेकिन फिर भी मुश्किल से ही हम लोग एक सिंगल गोल्ड मेडल ले पाते हैं, सिक्योर कर पाते हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे कंट्री के पास टैलेंट नहीं है, हमारे कंट्री के पास बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा युवा है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन पर देखिए गाइस प्लीज। सर पहला जो पॉइंट होने वाला है वो क्या होने वाला है, सर फर्स्ट ऑफ ऑल अवर एजुकेशन सिस्टम डज नॉट परमिट और अलाउ अस टू टेक आउट सम टाइम फॉर स्पोर्ट्स। ठीक है ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो सबसे बड़ी कमी ये है कि वहाँ स्पोर्ट्स पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता, कुछ भी अदर जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब स्पोर्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं, उन पर ना ही टीचर लोग ना ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई भी फोकस है। जिस तरह से हमारे यहाँ अकेडमिक और मार्क्स को अचीव करने पर फोकस है कि तेने कितने परसेंटेज मार्क्स लाने हैं, बस हमारे यहाँ पर यही चीज़ सिखाई जाती है कि आपको 10th में 90% चाहिए, 12th में आपको 90% मार्क्स लाने, बस उसी से सारी चीज़ें फ्यूचर डिसाइड होगा। तो प्यारे साथियों पहला पॉइंट दोबारा मेरे साथ बोलिए, सर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू डियर ऑल फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अवर एजुकेशन सिस्टम डज नॉट अलाउ अस टू टेक आउट सम टाइम फॉर स्पोर्ट्स, एंड ऑल्सो अवर पेरेंट्स
सर वॉन्ट चिल्ड्रेन, और हमारे मम्मी पापा भी बच्चों से क्या चाहते हैं सर, ऑल्सो अवर पेरेंट्स वॉन्ट चिल्ड्रन टू कंसंट्रेट ओनली, सर ओनली किस पर कंसंट्रेट करना है, ऑन देयर स्टडीज रेदर देन ऑन द स्पोर्ट एक्टिविटीज, सर बजाय स्पोर्ट एक्टिविटीज पर ध्यान देने के बजाय केवल हमारे मम्मी पापा भी ये चाहते हैं कि बच्चा केवल किस पर ध्यान दे, सर केवल और केवल अपने एकेडमिक पर ही ध्यान दे, मतलब अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट करे। तो किस तरह से आप बोलोगे, सबसे पहले सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सो इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 136 करोड़ एंड सर स्टिल हार्डली एबल टू सिक्योर अ सिंगल गोल्ड मेडल, सर इट इज नॉट बिकॉज अवर कंट्री डजंट हैव टैलेंट, बट सर फर्स्ट ऑफ ऑल अवर एजुकेशन सिस्टम डज नॉट अलाउ अस टू टेक आउट सम टाइम फॉर स्पोर्ट्स, एंड ऑल्सो सर अवर पेरेंट्स वॉन्ट चिल्ड्रंस टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज रेदर देन ऑन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। कोई डाउट हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट तो नहीं है सर। अगला नेक्स्ट लाइन कैसे शुरुआत करेंगे, पहले नोट डाउन करिए, अगली लाइन बहुत बेहतरीन होने वाली है। सर ऑल्सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू डियर फ्रेंड्स आई एम एग्री विद यू, अवर कंट्री इज लैकिंग बिहाइंड इन प्रोवाइडिंग गुड फैसिलिटीज एंड कोचेज टू द स्पोर्ट्स पर्सन, सर जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको एक अच्छे कोचेज और एक अच्छी फैसिलिटीज देने में हमारा देश बहुत पीछे है, ये रियलिटी है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रोइंग में, भाला फेंकने में, लेकिन उसने कोचिंग कहाँ से ली, उसने कोचेज कहाँ से लिया, आपको पता होगा वो अमेरिका से कोचिंग ले रहे हैं, मतलब अमेरिका का जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, एथलेटिक्स जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से वो प्रशिक्षण ले रहा है, वहाँ से वो ट्रेनिंग ले रहा है। तो कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक इंडिया का एथलीट जो गोल्ड मेडल लेता है, लेकिन सर उसके जो कोचेज हैं, उसके गुरु हैं, वो कहाँ से हैं, सर अमेरिका का, वो तो उसे तैयारी करने के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है, अमेरिका। तो ये बहुत ही विडंबना की बात है हमारे हमारे जैसे देश के लिए, जो कि डेवलपिंग कंट्री है और जिसे डेवलप्ड कंट्री भी बनना है, तो किस तरह से बोलेंगे। सर ऑल्सो डियर फ्रेंड्स इन माई पॉइंट ऑफ व्यू अवर कंट्री इज लैकिंग बिहाइंड इन प्रोवाइडिंग गुड फैसिलिटीज एंड कोचेज टू द स्पोर्ट्स पर्सन एंड आई नो द रीजन इज दैट, इसी में लाइन ऐड करेंगे आप, प्लीज कंसंट्रेट करिएगा बोर्ड पर, अभी नोट डाउन करिए, फिर मैं बताऊंगा किस तरह बोलना है। एंड ऑल्सो सर क्या होता है, अनदर रीजन इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी इन दिस, ये सच्चाई है इस फील्ड में। क्या है, युवा पीछे क्यों हट जाता है, सबसे पहले वो जॉब पाना चाहता है, क्यों, क्योंकि यदि वो कहीं खेलने भी जा रहा है स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल, तो इवन उसके सारे खर्चे से लेकर उसे वो खुद ही उठाने पड़ते हैं, खुद ही अफोर्ड करने पड़ते हैं। यदि वो नेशनल खेलने भी जा रहा है तो दूसरे विदेश में, कंट्री में, तो भी इवन उसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गेमों को छोड़ दिया जाए तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, और बंदा आखिर टूट जाता है कि यार मैं अपने घर से कैसे कर सकता हूँ इतना खर्चा, और इसलिए पहले उसे लगता है कि एक जॉब लेनी है, उसके बाद ही मैं कर पाऊँगा आगे, ठीक है। तो इस फील्ड में सबसे बड़ी बात क्या है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मतलब जॉब की गारंटी नहीं है। बहुत सारे आपने कहानियां पढ़ी होंगे कि सर ये नेशनल प्लेयर थे और आज ये क्या कर रहे हैं, मतलब ढाबा चला रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें कहीं घायल हो गए, कहीं भी इंजरी हो गई, तो उन्हें गॉड साइडलाइन, मतलब एक तरफ फेंक दिया गया। तो किस तरह से बोलेंगे, दोबारा स्टार्ट करिए। सर आई नो द रीजन इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी इन दिस फील्ड एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर दोज एथलीट्स, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस एथलीट्स के लिए, सर दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर दोज एथलीट्स हु गॉट मायर्ड इन वेरियस इंजरीज एंड गॉट साइडलाइन्ड। सर जो बहुत सारे इंजरीज में निकल चुके हैं और एक तरफ बाहर कर दिए गए हैं, उन्हें बाद में बहुत दुख होता है, ना गवर्नमेंट की तरफ से, जब तक वो खेल रहे हैं सब अच्छा है, लेकिन जैसे कुछ हुआ उसके बाद पूरी करियर खत्म, पूरा करियर खत्म, मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अगली लाइन कैसे बोलेंगे, सर ऑल्सो पॉलिटिक्स हैज डिग्रेडेड अवर स्पोर्ट्स कल्चर। हाँ, हमारे यहाँ राजनीति बहुत बड़े पैमाने पर है, मतलब बड़े लेवल पर है, स्पोर्ट्स में है। यदि आपके फादर एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं तो आपका अकेडमी में तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा, आपको नेशनल खेलने के लिए दिया जाएगा इंटरनेशनल, लेकिन यदि आपका बैकग्राउंड, आपकी जो पहुँच है अच्छी नहीं है, तो प्यारे साथियों आपको बहुत स्ट्रगल करने वाले हो, और बहुत ज़्यादा आपको पैसा भी नहीं है और यदि पहुंच भी नहीं है तो शायद ही आपके चांसेस हैं, इसलिए बच्चे पीछे हट जाते हैं। तो सर पॉलिटिक्स हैज ऑल्सो डिग्रेडेड अवर स्पोर्ट्स कल्चर एंड इन अवर कंट्री एंड सर डिजर्विंग पीपल और डिजर्विंग एथलीट्स गेट लेस चांसेस टू शो देयर टैलेंट इन इंटरनेशनल गेम्स ड्यू टू करप्शन। और सर करप्शन के कारण जो इंटरनेशनल गेम्स हैं उनमें जो एथलीट्स अपना टैलेंट शो नहीं कर पाते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट डू नॉट गेट चांसेस टू शो देयर टैलेंट इन इंटरनेशनल गेम ड्यू टू करप्शन। क्लियर,
बहुत ही इफेक्टिव लाइन है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बोलने पर नोट डाउन करिएगा। और आगे किस तरह बोलना है, सर इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब इसका क्या क्या इसका सर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो हमें जो रूट कॉजेज है ना, रूट कॉज मतलब जो जड़ से हैं, पहले तो वो समझने पड़ेंगे सर। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट स्पोर्ट्स फ्रॉम स्कूल डेज। सर सबसे पहले तो हमें स्कूल डेज से ही बच्चों में स्पोर्ट्स के प्रति एक जागरूकता बनानी पड़ेगी, एक जागरूकता फैलानी पड़ेगी। मतलब सर इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट स्पोर्ट्स फ्रॉम स्कूल डेज। क्लियर हुआ कि नहीं, स्कूल के दिनों से ही सर हमें स्पोर्ट्स के बारे में क्या करनी पड़ेगी, एक जागरूकता फैलानी पड़ेगी। एंड टीचर शुड ऑल्सो ठीक है ना इनकरेजेस द स्पोर्ट्स एंड टैलेंटेड एथलीट्स फ्रॉम स्कूल डेज। समझ में, हमारे टीचर्स सबसे पहली जो 18 से 20 साल में बच्चा कहाँ स्पेंड करता है अपने स्कूल में टीचर के साथ, तो टीचरों को यदि स्पोर्ट्स के बारे में बच्चों को मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे, तो प्यारे साथियों बच्चों में एक रुझान आएगा। बच्चों में जैसे पढ़ाई के प्रत्येक सीरियसनेस होती है कि मुझे पढ़ना है, डिग्री लेनी है, उसी तरह से उन्हें स्पोर्ट्स के प्रति चीज़ें समझ में आएंगी और वो समझ पाएंगे कि ये भी एक करियर है, मतलब इसमें भी एक करियर बनाया जा सकता है। बट हमारे यहाँ फिजिकल फिटनेस के नाम पे, हमारे यहाँ यूथ की फिजिकल लाइक जो पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में, उसके नाम पे कुछ भी नहीं है, न के बराबर फैसिलिटीज हैं, और ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन अभी हम लोग इस फील्ड में, मतलब अभी हम इस दिशा में काफ़ी आगे जा रहे हैं। आगे किस तरह से दोबारा इस लाइन को बोलिए, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सर वी हैव टू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट द स्पोर्ट्स फ्रॉम स्कूल डेज एंड ऑल्सो अवर टीचर शुड इनकरेज द टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन एंड अबाउट द स्पोर्ट्स फ्रॉम स्कूल डेज एंड ऑल्सो डियर फ्रेंड्स गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फंड्स एंड गवर्नमेंट को भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी फंड्स की, मतलब सर जो खर्चा होता है, एंड टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन की टू प्रूव देयर टैलेंट इन इंटरनेशनल गेम्स, और इंटरनेशनल गेम्स में अपने टैलेंट को प्रूव करने के लिए जो टैलेंटेड एथलीट्स हैं और उनके जो फंड हैं, मतलब खर्चा है, उसकी पूरी क्या लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इतना गवर्नमेंट को करना ही होगा। विदेशों में चाइना, अमेरिका, रशिया, आप उनके बारे में पढ़िए एजुकेशन सिस्टम या उनके बारे में, तो वहाँ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही अच्छे अच्छे कोचेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, शुरुआत से उन्हें अकेडमी प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पे खर्चा, रहने आने जाने सब खर्चा फ्री होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं सर हमारा कंट्री अभी इतना उस स्टेज में नहीं है कि हर एक को बच्चे को इतना सारा देश के, बट एटलीस्ट हमें अवेयरनेस तो क्रिएट कर सकते हैं स्कूल दिनों से। हमारे परमानेंटली मैंडेटरी होने चाहिए कि फिजिकल फिटनेस, यहाँ तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है फिजिकल फिटनेस के नाम पर, और इसलिए इस तरह से आपको ये नोट डाउन करना है। लास्ट लाइन क्या है, समझ में आया, गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फंड्स एंड टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स हु गॉट्स और हु टू प्रूव देयर टैलेंट इन इंटरनेशनल गेम्स। सो सर दिस इज, अब इसको बोलना कैसे है, पहले से नोट डाउन करिए, बहुत सिंपल लाइन है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलना कैसे है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बोलना होता है, इंट्रोडक्शन के बाद आपको अबाउट द टॉपिक बोलना होता है, और उस ये एक मिनट में आपको फिनिश करना होता है। एक आध दो सेकंड, 10-20 सेकंड ज़्यादा हो जाए टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक मिनट से ज़्यादा आपने बोला तो आप बाहर हो गए, नहीं, बट हाँ जितना उन्होंने बोला है उतना ही देर आपको बोलना है और स्पेसिफिक रहना है, ठीक है सर। अब इसे बोलना कैसे है, तो सबसे पहले क्या बोलोगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब बस आपके बारे में, ये नहीं कि आप पड़ोसी का नाम बता रहे हैं, मम्मी का नाम बता रहे हैं, सिस्टर का नाम बता रहे हैं, नाम से क्या लेना देना, ठीक है ना। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन बोला, डियर ऑल फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सर माई नेम इज सुधीर चाहर, आई बिलोंग टू आगरा लोकेटेड इन यूपी, एंड सर कमिंग टू माई अकेडमिक बैकग्राउंड, सर आई हैव रिसेंटली कम्प्लीटेड माई 10+2 विद हायर विद पीसीएम फ्रॉम स्टेट बोर्ड, एंड सर आई हैव ऑल्सो गॉट गुड अकेडमिक रिकॉर्ड इन 10th एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड, एंड सर ऑल्सो इन माई स्कूल डेज आई हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन मैनी एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज, एंड डियर फ्रेंड्स कमिंग टू माई फैमिली बैकग्राउंड, I belong to a middle class family. There are 7 members in my family including me. And sir, my father Mr. Rajveer Singh is a government employee and my mother is a house lady. Sir, my hobbies are listening to music, net surfing and playing outdoor games, and also sir in my spare of time or sir if I have a spare of time, I would like to spend my time
with to talk with my parents on various social and moral issues. And sir, in my point of view, the topic is related to less number of medals in our country, or sir, the condition of sports in India, or sir, 136 crores population versus a single gold medal. Sir, अब आप यहाँ इनिशियलाइज, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ग्रुप को इनिशियलाइज करना चाहते हो या शुरुआत में बोलना चाहते हो, बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। सबसे पहले आपको बताना है दोबारा, मतलब ये हो गया अबाउट द टॉपिक, इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक, उसके बाद आपको डिबेट करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहले सबको मौका दिया जाएगा कि इंट्रोडक्शन बोलना है और अबाउट द टॉपिक बोलना है, उसके बाद सबको मौका दिया जाएगा कि अब आपको डिबेट स्टार्ट करनी है। तो डिबेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फिश मार्केटिंग नहीं करनी है। प्लीज डोंट क्रिएट फिश मार्केटिंग और डोंट मेक फिश मार्केटिंग, ओके। सबसे पहले फिश मार्केटिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा आपको हाइपर नहीं होना है, बहुत सबको मौका मिलना चाहिए। डिबेट का मतलब ये नहीं है कि बस मैं ही बोल रहा हूँ, सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए आप अपने परसेप्शन रखिए, लेकिन दूसरे की सुनना, लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ ग्रुप डिस्कशन और अ डिबेट। जो सुन नहीं सकता वो कभी एक अच्छा स्पीकर नहीं हो सकता, मतलब यू कैन बी ओनली अ गुड स्पीकर इफ यू आर अ गुड लिसनर, ओके। तभी आप एक अच्छे स्पीकर कहलाओगे जब आप एक अच्छे श्रोता हो, मतलब सुनने की क्षमता होनी चाहिए। यू हैव टू एक्सेप्ट और यू हैव टू डू द कैपेबिलिटीज ऑफ लिसनिंग, समझ में आया। लेकिन जब भी आप बोल रहे हो, इस इतनी बेहतरीन तरीके से बोलना है, इतना कॉन्फिडेंटली बोलना है कि सारे बच्चों से सुने और समझ में आए बहुत ही सिंपल तरीके से। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड्स, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू वी आर हेयर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक सर लेस नंबर ऑफ मेडल्स इन अवर कंट्री और सर द कंडीशन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। डियर फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट ऑल्दो इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 136 करोर्स, बट सर स्टिल वी आर हार्डली एबल टू सिक्योर अ सिंगल गोल्ड मेडल। सर इट इज नॉट बिकॉज अवर कंट्री डजंट हैव टैलेंट, बट सर इन माई ओपिनियन डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अवर एजुकेशन सिस्टम डज नॉट अलाउ अस टू टेक आउट सम टाइम फॉर स्पोर्ट्स, एंड ऑल्सो सर अवर पेरेंट्स वॉन्ट्स देयर चिल्ड्रंस ओनली ऑन टू कंसनट्रेट देयर स्टडीज एंड रेदर देन ऑन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि इतना जल्दी बोलना है, मैं तो यहाँ बस बता रहा हूँ आपको, इसलिए वीडियो भी बहुत बड़ा नहीं हो जाए। इसलिए तो सर यहाँ पर आपको पहले ये पॉइंट आपने बोला अबाउट द टॉपिक है, बहुत इफेक्टिवली आपने बोला, लेकिन दूसरों को मौका देखिए, अब दूसरे की सुनिए। जब आपको लगे कि मेरे पास अब एक अच्छा मौका है, मैं फिर से बोल सकता हूँ, फिर आप बोल सकते हो। डियर फ्रेंड्स, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई एम फुली एग्रीड विद यू, बट सर ऑल्सो अवर कंट्री इज लैकिंग बिहाइंड इन प्रोवाइडिंग गुड फैसिलिटीज एंड कोचेज टू द स्पोर्ट्स पर्सन, एंड ऑल्सो सर द अनदर रीजन इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी इन दिस फील्ड। And sir, this is the major problem, sir. And this is the biggest problem for those athletes. Sir, the lacking of job security problem is the biggest for those athletes who got mired in various injuries and sir got sidelined. Okay? अब आप दूसरे लोगों की सुन सकते हैं, ठीक है ना? ध्यान से सुनिए, इतना जल्दी मत करिए कि बस मुझे चार पॉइंट पांच पॉइंट बोलने हैं, मैं किसी के सुनूंगा नहीं, वहां आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। यही हमारी गलती होती है। इट डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू हैव पार्टिसिपेटेड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स, द थिंग्स दैट मैटर द मोस्ट योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, योर इफेक्टिवनेस एंड योर वे ऑफ पार्टिसिपेशन और योर वे ऑफ पुटिंग योर परसेप्शंस, ओके, इन फ्रंट ऑफ ऑल योर कलीग्स। सो डियर फ्रेंड्स, आगे जैसे ही आपको मौका मिलता है, हाँ अभी आपको बोल सकते हो, तो फिर आप बोल सकते हो, सर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटिक्स हैज ऑल्सो डिग्रेडेड अवर स्पोर्ट्स कल्चर, बिकॉज सर टेज योर डिजर्विंग कैंडिडेट डू नॉट गेट चांसेस टू शो देयर टैलेंट इन इंटरनेशनल गेम्स ड्यू टू करप्शन, एंड सर दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और सर करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ डिग्रेडिंग द स्पोर्ट्स कल्चर इन अवर कंट्री, एंड दिस इज द रीजन सर अवर कंट्री इज नॉट सिक्योरिंग लाइक गोल्ड मेडल अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन रेशियो, ओके। एंड सर जब आपको लगे कि हाँ और बच्चे बोल रहे हैं, उसके बाद आप फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप बोल सकते हो। डियर फ्रेंड्स, सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट स्पोर्ट्स फ्रॉम स्कूल डेज, एंड ऑल्सो सर अवर टीचर शुड इनकरेजेज टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन एंड टैलेंटेड एथलीट्स एंड अबाउट द स्पोर्ट्स फ्रॉम स्कूल डेज, ओके। एंड सर, And at last, sir, I would like to say, sir,
if we want to resolve this problem or if we want to upgrade, sir, the condition of sports in our country or if we want to achieve so many, then, sir, first of all, our government should take responsibilities of funds and talented sports athletes to show their talent in international games. And, sir, then we can see, or sir, then after that, we can see that we can see the dream of like achieving a number of goals or maximum number of goals in Olympic games or in other games. इस तरह से आपको represent करना होगा, वो भी बहुत effectively. मैं सच बताऊं आपको, जितने भी बच्चे select हुए आप उनसे पूछिएगा, आपको इतना भी नहीं बोलना होता है, बस effectively आपको 2 से 3 बार और 4 बार participate करना है. लेकिन वो इतना confidently होना चाहिए कि जब आपके पास contents होगा आप तभी बोल पाएंगे. जो बच्चे केवल ये सोच रहे हैं कि बस मैंने वीडियो देख लिया अब तो मैं हो गया, जब तक आप मिरर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यदि आप मुझे 2 लाइन में पूछना चाहते हो कि सर ऐसा बताइए, सबसे तो इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक 50% उसका महत्व याद रखिएगा, और 50% आपके डिबेट में आपका पार्टिसिपेशन कैसा था उसका महत्व है. मैं गारंटेड बोल रहा हूं, आप ये नोट डाउन करिए, लिख के आप रिकॉर्ड करिए इस वीडियो को, आप डाउनलोड कर लीजिए. यार आप ये कर रहे हैं इतना और इफेक्टिवली आप इतना बोल पाएंगे इसमें से, मैं गारंटेड बोल रहा हूं आपको कोई बाहर नहीं कर सकता, ठीक है ना. और यदि फिर भी आपके पास यदि ऐसा लगे कि एयरफोर्स में सर रिजल्ट में मेरा क्लियर हो चुका है और सर मैं तैयारी करना चाहता हूं, तो सर रिजल्ट आने के बाद मेरे यहां पर गारंटेड बैचेज स्टार्ट होंगे और आपको कोई निकाल नहीं सकता. यदि आप ऑफलाइन क्लासेस मेरी अटेंड करते हैं तो ये मैं गारंटेड बोल रहा हूं कि आप फेस सेकंड से बाहर नहीं होंगे. ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट, और साइकोलॉजिकल टेस्ट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखे हैं, कैसा पेपर आता है, किस तरह से आता है, मैंने ऑलरेडी बताया है उसके बारे में, वीडियो भी बन चुका है, तो प्लीज जाकर वो देखिएगा, ठीक है ना. टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिएगा, मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा, ठीक है, सारे पीडीएफ्स, और इनकी पीडीएफ भी मैं सबकी डाल रहा हूं बाकी आपके प्यार और सपोर्ट के लिए. हाँ, मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि तकलीफ में था, मतलब बीमार था, इसलिए प्लीज अब कंसिस्टेंटली पर डे जीडी का एक टॉपिक पर डे होगा, 2 भी हो सकते हैं, तो प्लीज हम बहुत जल्दी अब बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है. सर मेरे अंदर कोई चीज कुछ बहुत कमी थी. कुछ लोग जो आए मान रहे हैं कि सर ये सर में पहली मूर्ति होगा, रियलिटी है भाई, ये हमारा जुड़ाव है दिल का. एक्चुअली भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है.